नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल अतुल में। तो दोस्तों, अगर आपने भी पैन कार्ड बनवाया है, अगर आपको पैन कार्ड अभी तक नहीं मिला है, तो दोस्तों आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड में क्या प्रॉब्लम आई है, किस लिए वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, आपको अभी तक क्यों नहीं मिला है। आपको लाइव दिखाने वाला हूँ अगर आपका पैन कार्ड दोस्तों आप UTI से बनवाते हैं, दोस्तों UTI के थ्रू जो पैन कार्ड बनते हैं उसको आप कैसे ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं दोस्तों कि उस पैन कार्ड हमारा अभी जारी हुआ है नहीं हुआ है। अगर दोस्तों जारी नहीं हुआ तो उसमें क्या रीजन है, किस वजह से वो अभी तक जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो कर दीजिएगा अभी लाइक। दोस्तों मैं आपको अभी लेके चलता हूँ सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं से आपको दिखाता हूँ कि पैन कार्ड पे दोस्तों आपको स्टेटस कैसे चेक करेंगे कि आपका अगर पैन कार्ड अभी तक जारी हुआ या नहीं हुआ। तो आप उसके एक जब आप पैन कार्ड को बनवाते हैं तो दोस्तों एक आपको मिलती है स्लिप, तो दोस्तों वो स्लिप के द्वारा आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका अभी पैन कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं से आपको दिखाता हूँ कि वो स्लिप आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों ये हमने खोल लिया है अभी गूगल क्रोम ब्राउजर को और इस पर सर्च करके UTI पैन स्टेटस। यह दोस्तों अभी ये साइड आ चुकी है, इस साइड को हम खोल लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके पास एक स्लिप मिलती है। तो उस स्लिप में एक नंबर रहता है, जैसे मैंने यहाँ पर अपना नंबर टाइप कर दिया है और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जी दोस्तों आपके स्लिप में डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आप डाल देंगे यहाँ पर कैप्चा कोड को, जैसे मेरा जो कैप्चा कोड सामने दिख रहा है मैंने इसको भी भर दिया है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों दिखा रहा है कि आपने ये पैन कार्ड दोस्तों किसके लिए डलवाया है। जैसे आप देख सकते हैं चेंज एंड करेक्शन के लिए मैंने डलवाया था, किस डेट को पड़ा था, ऑब्जेक्शन रीजन, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इस पर, तो अभी ऑब्जेक्शन कोई इस पर नहीं है, तो आप ऐसे इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आप एक अपनी पैन कार्ड की स्लिप के माध्यम से अपने पैन कार्ड को कैसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो बस यही तक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देगा अभी लाइक, साथ ही आपके चैनल पहली बार आए चैनल को दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों आज की बस वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।